जाने की जगह बाबू, देख टेंशन तो लगेगा नहीं। अच्छा बाबा ये शांत रहो, शांत रहो। जो भी करते हो मैं देख लूंगा। अरे शैतान म्यूट करो। सर ओम सर लोग को बोलिए, ओम सर म्यूट कीजिए। क्लियर दिख रहा है संजना? संजना बाबू क्लियर दिख रहा है? यस सर, यस सर दिख रहा है। अच्छी बात है। हमने देखो अभी तक आप हम क्या पढ़ा रहे हो, फैक्टराइजेशन पढ़ा रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन का कितना मेथड सर? चार मेथड सर। पहले थोड़ा सा रिकैप करवा दे, 5 मिनट बाबू थी बैक फ्लैश में चलते हैं ना। फैक्टराइजेशन का बाबू चार मेथड। पहले बाबू डायरेक्ट कॉमन मेथड, फर्स्ट जो फैक्टराइजेशन का मेथड था बाबू डायरेक्ट कॉमन मेथड था, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉमन मेथड था, ठीक है। सेकंड जो मेथड था बाबू क्या था बाबू, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म था। क्या था बाबू? रीग्रुपिंग ऑफ टर्म था, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म था, है ना, रीग्रुपिंग ऑफ टर्म था। थर्ड मेथड बाबू मिडिल टर्म स्प्लिट। क्लियर दिख रहा है ज्योति? ज्योति यस सर, थोड़ा थोड़ा ब्लर, ठीक है। थर्ड जो मेथड है वो थर्ड यूजिंग आइडेंटिटी बाबू, आइडेंटिटी को यूज करके, आइडेंटिटी को यूज करके कैसे ऐसे हो रहा बाबू शैतान? आपको दिख रहा बाबू आर्यन? यस सर। आर्यन ये बाबू अब तो क्लियर हो गया शैतान? अब तो क्लियर हो गया दिख रहा है सर, क्लियर। हाँ बाबू अब तो क्लियर हो गया, पूरा क्लियर है। हाँ बाबू यूजिंग आइडेंटिटी बाबू, थर्ड मेथड क्या था बाबू? आइडेंटिटी को यूज करके। जो फोर्थ है लास्ट मेथड बाबू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बाबू, मिडिल टर्म को क्या करके स्प्लिट करके, मिडिल टर्म को क्या बाबू स्प्लिट करके, स्प्लिट करके, है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करते थे, ठीक है, ठीक है बाबू। तो सारा का सारा खत्म हो गया बाबू। अब इसमें बाबू चार पांच को टाइप है, चार पांच को टाइप है। तो पहला टाइप इसमें बाबू, इसमें बाबू हमने चार पांच को टाइप, पहला टाइप क्या किया बाबू, जैसे एक्स स्क्वायर बाबू प्लस 5x बाबू प्लस 6, इसको फैक्टर करना सीखा है। क्या क्या है शैतान? इसको फैक्टर करना सीखा है ना, इसको फैक्टर करना सीखा है ना। उसके बाद आपको क्या बोला बाबू कि यहाँ पे मान लो कोई कोफिशियंट आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए शैतान? कोई कोफिशियंट आ जाए, कोफिशियंट जैसे बाबू यहाँ पे मान लो टू आ जाए, टू आ जाए ना, टू आ जाए है ना, टू आ जाए, ठीक है। तो टू आ जाएगा बाबू, ठीक है ना, टू आ जाएगा। तो इसको कैसे फिर फैक्टराइज करोगे, है ना, इसको कैसे फैक्टराइज करो फिर बाबू। उसके बाद आपको हमने क्या बताया कि यहाँ पे एक बार निगेटिव आ जाए, यहाँ पे निगेटिव आ जाए, फिर आपको क्या बताया वो यहाँ पे पॉजिटिव, फिर यहाँ पे निगेटिव आ जाए, तो कैसे फैक्टराइज करोगे, ठीक है। यहाँ दो टर्म वाला निगेटिव हो गया, तो नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू टाइप ये 5 हो जाएगा ना। टाइप 4 तक हो गया था जानवी दास? टाइप 4 का सर 2 क्वेश्चन हुआ था, दो ये क्वेश्चन हुआ है बाबू। यस चलो ठीक है। तो टाइप बाबू 4 में बाबू और करते हैं, और करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कर देते हैं ना, 30 तक हो गया, 31 करते हैं ना, 31 करते हैं। 32 तक हो गया, 32 तक हो गया था, 33 से हो गया, वेरी गुड, हां 33 से करते हैं, वेरी गुड बाबू। देखो बाबू क्या है बाबू, क्या है बाबू, जैसे क्या रहेगा सर, और क्या रह सकता है सर, जैसे कितना बाबू 3x² बाबू और प्लस क्या बाबू 4x है, 4x है ना बाबू, और प्लस कितना बाबू, प्लस कितना कह सकते हैं, 15 कह सकते हैं, -15 कह सकते हैं, इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ निगेटिव वाला करवा रहे थे बाबू, यहाँ निगेटिव वाला करवा रहे थे, ठीक है सर। अब बाबू क्या था, पहले दो तो आसान आसान बता दिए थे, दो आसान ये वाला आपको बता दिया, जैसे x² बाबू प्लस 2x बाबू -15 है ना, -15। तो इसमें क्या करो, 15 को बाबू ब्रेक करो, फिर इसका हमने बताया लास्ट क्लास, इसका हमने किया था ना, x² प्लस 2x -15। तो आपको हमने क्या बोला था कि 15 को दो नंबर के प्रोडक्ट के रूप में इस तरह से लिखो बाबू कि ऐड करने पे 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, -15 आ जाए, ऐसे किया था बाबू। तो कौन सा कम्बिनेशन, पहले दो को नंबर ऐसे कम्बिनेशन, एकदम शांति से सुनो, एकदम शांति से, एकदम धीरे धीरे बोल रहे हैं। 15 को बाबू आपको ब्रेक करना, तो पहले दो नंबर का प्रोडक्ट सोचना, और वह प्रोडक्ट इस तरह से आपको सोचना है बाबू कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आ जाए, अब बाबू ऐड करने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो पहले दो नंबर का कम्बिनेशन सोचना कि कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो 15 आएगा, तो कम्बिनेशन आपको क्या बनेगा, 3 5 का बनेगा, है ना। अब इसको बाबू मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा, और ऐड करने पे क्या होगा, वो 2 आना चाहिए, +2 आना चाहिए, है ना, तो +2 आना चाहिए बाबू, +2। ज्योति बाबू वीडियो ऑन कीजिए ना, ज्योति सही में इसके इसको जाएंगे जहानाबाद चाहे औरंगाबाद, बाबू बहुत मार मारेंगे, सुदम वसूल करेंगे। आदित्री वीडियो ऑन करो बाबू, ओम शर्मा, ज्योति को तो वसूल करेंगे, बहुत हमको मेंटल टॉर्चर करती है, ठीक है। तो 15 को ब्रेक करना, क्या करना बाबू, 15 को ब्रेक करना है ना, तो 3 5 में। अब इसमें बाबू ऐसे इसमें प्लस माइनस बैठाओ बाबू कि इसको ऐड करने पे क्या आ जाए, +2 आ जाए, इसमें एगो को पॉजिटिव लो, एगो को निगेटिव लो, तो सर -3 सर, या सर +3 या -5 लेते हैं बाबू, तो ये कितना 3 -5 क्या -2 आ जाएगा, ये कम्बिनेशन होगा, तो यहाँ -2 आ रहा है, यहाँ क्या +2 है,
तो यहाँ पे हम लोग बाबू एक बार इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो तो माइनस थ्री प्लस टू क्या आ जाएगा, प्लस टू आ जाएगा, और माइनस थ्री या प्लस फाइव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस फिफ्टीन आ जाएगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हम करवा चुके ना आर्यन बाबू, ये वाला करवाए थे ना लास्ट क्लास। हाँ सर। यस सर। हाँ बाबू, हाँ बाबू। अब इसको थोड़ा सा सोचते, थोड़ा इसके बारे में सोचते है ना, इसके बारे में सोचते है ना, ठीक है, अच्छी बात है, एकदम समझ समझ के पढ़ना, कुछ नहीं बाबू, एल के जी का चीज आपको पढ़ाया नहीं जाता, क्या करें बाबू, एजुकेशन का बहुत टेंशन होता है, एल के जी में इसे पढ़ना, एल के जी यू के जी का है ना, कुछ है जी, थोड़ा सा खाली सोचना है। देखो बाबू क्या, पहले हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ 15 है बाबू, तो आपको क्या बोले थे कि एक्स के बगल में अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई रहे, एक्स के बगल में अगर कुछ मल्टीप्लाई रहे, तो इसको बाबू इसको और यहाँ पे जो टर्म है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो 15 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस फाइव है बाबू, तो माइनस फाइव कर लो, क्या दिक्कत है, माइनस 15 है तो माइनस 15 कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे सेकंड तक कितना हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। पहला स्टेप ये करना, हमने कुछ नहीं बताया, कोई रॉकेट साइंस नहीं बाबू, 15 और x के बगल में कोफिशियंट है उसको मल्टीप्लाई करना, इसे वाला इक्वेशन था ना, जैसे x अभी अभी थोड़ा देर पहले बताया, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 15, तो 15 को बाबू यहाँ x के बगल में क्या नहीं कुछ है तो मल्टी 1 है, तो 1 को 15 से मल्टीप्लाई करके ही लिखना है ना, तो 1 इंटू माइनस 15 क्या होगा, माइनस 15 होगा, तो x के बगल में अगर कोई कोफिशियंट रहेगा तो उसको कॉन्स्टेंट टर्म को जिसके साथ x नहीं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक ठीक सर। अब आगे सोचो, उसके बाद अब आपको सोचना है कि माइनस 45 को बाबू, मतलब पहले आप ऐसे सोचो कि माइनस 45 है तो पहले थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि माइनस है, यानी तो डर लगे लगेगा, माइनस जैसे आएगा ना डर लगे लगेगा, तो आपको ये सोचना है बाबू कि 45 को दो नंबर के रूप में इस तरह से ब्रेक करो बाबू, उसको मल्टीप्लाई करने पर पहले 45 आ जाएगा, तो दो नंबर कौन होगा, कौन होगा दो गो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पर 45 होगा, कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, कौन बताएगा, बताओ तो ज्योति, फिर वीडियो बंद कर लिए ज्योति, इसको तो आदत खराब हो गया था। यस ज्योति। यस सर। ज्योति हाँ बताओ तो 45 को बाबू दो नंबर का कॉम्बिनेशन, दो नंबर का कॉम्बिनेशन बनेगा, हाँ बाबू बताइए सर के, आप बताओ तो सानवी, सोचो आप बताओ तो सानवी, कैडबरी टॉफी सानवी, हाँ और 15 कितना, 5 और 15 5 × 9 और 15, हाँ शैतान, दो को कॉम्बिनेशन सर मेरे पास क्या क्या हो सर, क्या क्या है सर कॉम्बिनेशन, तो सर ऐसे तो सर दो को नंबर क्या हो सकता है सर, 9 5 हो सकते सर, आप ये आप 15 भी 3 हो सकता है सर, 15 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 45 होगा, 9 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, अब इसमें सही कौन होगा सर, सही कौन होगा, अब सही कौन होगा तो आपको सोचना है, इस तरह से बाबू इस दो नंबर को ऐड करो, दो नंबर को इस तरह से बाबू ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, वो क्या आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, 4 आ जाए, अब बीच वाला दो नंबर कॉम्बिनेशन ठीक ना, तो इस दो नंबर इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन लेना सर कि इसको ऐड करने पे बाबू क्या आ जाए, 4 आ जाए है ना, तो इस ठीक है ना, तो इसमें बाबू आपको अपने मन से सोचना, अरे एल के जी का चीज है, इसमें देखो इसमें निगेटिव ले लो, -9 -5 तो ये कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, दोनों निगेटिव करो बाबू तो क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा, यहाँ क्या लाना, 4 लाना, नहीं ना हुआ, एगो पॉजिटिव लो एगो निगेटिव लो, तो बाबू -9 सर और प्लस एक बार इसको निगेटिव ले लेते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो -9 + 5 कितना होगा, ये तो सर इसको सोल्व करेंगे सर तो -4 आ जाएगा, यह कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मेरा क्या, सोचो सोचो, -9 बाबू, -9 सर और क्या ले लेते हैं, इसको प्लस ले लेते सर, -5 ले लेते हैं, 9 - 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, हाँ सर ये तो 4 बाबू हो गया, और 9 × -5 मल्टीप्लाई करो दोनों का तो क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -45 हो जाएगा, तो इस यही आपको सोचना है, यही सोचना, और इसमें बाबू 5 3 में कोई भी कॉम्बिनेशन करो ना, दोनों निगेटिव रखो फिर भी नहीं होगा, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव रखो, एक बार 15 को -15 लिखो और +3 लिखो, क्या आएगा, -12 आएगा, फिर 15 - 3 करोगे तो 12 आएगा, ऐड करने पे बाबू बीच वाला टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मेरा कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 9 5 का बाबू एक पॉजिटिव एक -5 वाला बनेगा है ना, -5 वाला बनेगा, यही तो सोचना है बाबू मैथ में, यही जो सोच लिया वो तेज हो गया, जो नहीं सोचा वो बौद्धा हो गया, बस और कुछ नहीं है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 3x² 4x को ब्रेक करो, कैसे सर,
माइनस बाबू 9x प्लस में 9x और माइनस बाबू 5x 4x को हमने ब्रेक किया और -15 लिख दिया। इक्वल टू जीरो मत करना, आगे करेंगे, इक्वल टू जीरो मत करना, ठीक है ना। अब यहाँ जब यही स्टेप है, यही स्टेप सोचना और आगे कुछ नहीं करना, आगे कुछ भी नहीं करना, यही खाली स्टेप पे सोचना बस और कुछ नहीं, बाकी डरा दिया गया। अब बाबू देखो यहाँ बाबू 3x² है, 9 को लिख सकते ना 3 × 3 सर इंटू एक्स और माइनस बाबू 5x। अब 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5। अब देखो ये दोनों में क्या चीज फिर सेम सेम है सर, क्या चीज सेम सेम है बाबू? सर यहाँ सर यहाँ 3 है, दो जगह 3 है बाबू, तो एक और 3 बाहर निकालो तो क्या होगा, x², x²1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ नहीं कुछ है पावर तो क्या 1 है, तो छोट का पावर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। क्लियर दिख रहा बाबू आर्यन? क्लियर दिख रहा वीडियो बाबू आर्यन? दिख रहे हैं आपको सानवी? सानवी क्लियर दिख रहा बाबू? सानवी बाबू मुझे भी दिख रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड बात, आज चलो अच्छी बात। तो यहाँ देखो 3x² बाबू, यहाँ भी 3 है, तो दोनों जगह 3 है, तो जो सेम रहेगा उसको बाहर ले लें, तो यहाँ 3 बाहर ले लिया, यहाँ x²² है सर, यहाँ x²1 है, तो छोट का पावर कॉमन ले लिया, ठीक बाबू। तो अब इस टाइम से आओ, x²² है बाबू, तो 2 में से एगो पावर बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, एगो x बचेगा। यहाँ बाबू 3 है, तो 2 × 3 है, तो 2 में से एगो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक सर। आई x तो बाहर निकल गया यहाँ पे बाबू, यहाँ पे अब जो यहाँ x प्लस 3 है बाबू, यहाँ भी अंदर भी बाबू भी x प्लस 3 लेने, अच्छा ठीक है। यहाँ पे बाबू देखो 5 है सर, यहाँ पे 5 है बाबू, दोनों जगह 5 है, तो कॉमन ले लो, ठीक। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना। अब हमको डाउट होता है सर माइनस ले बाबू कि यहाँ पे माइनस लिखे सर कि प्लस लिखे, है ना। तो देखो अगर यहाँ से बाबू माइनस बाहर ले लेते हो, माइनस अगर बाहर ले लेते हो शैतान, तो ये माइनस बाहर ले लियो, तो ब्रैकेट के अंदर, इसको ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था बाबू तो ये प्लस हो जाएगा। तो बाबू अगर यहाँ पे बाबू माइनस लोगे, तो मेरा जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ लाने की कोशिश करना, अगर यहाँ प्लस लेते शैतान लेते बाबू, तो ये -x हो जाता और ये -3 हो जाता, तो ये वाला सेम नहीं है, तो यहाँ जो टर्म आएगा उसी को यहाँ लाने की कोशिश करना, तो हम लोग क्या लेंगे शैतान, माइनस लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो ये x+3 हो जाएगा। अब बाबू नेक्स्ट लाइन बाबू, यहाँ भी x+3 और यहाँ भी x+3, यहाँ भी x+3 यहाँ भी, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक, x+3 क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ से x+3 बाहर हो गया, तो कितना बच जाएगा, 3x बचेगा, यहाँ से x+3 बाहर हो गया, तो क्या बच गया, -5 बच गया, तो इसका ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, इसका ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, है ना, फैक्टर हो गया, ठीक है बाबू, ठीक, जो जो लिखेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एक और समझाते हैं, पहले एक और समझाते हैं, जैसे क्या बाबू 20x² बाबू प्लस 7x बाबू -3, ठीक ठीक सर। अब इसको आपको फैक्टर करना, कह रहे बाबू कि इसको फैक्टर कीजिए, है ना, फैक्टर कीजिए, ठीक है, तो फैक्टर करो बाबू, ठीक है, इसको फैक्टर करो बाबू, 20x² 7x बाबू, है ना, तो इसको सोचो सोचो सोचो, कैसे सोचेंगे सर, पहले बाबू जो यहाँ पे x का कोफिशियंट है, जो यहाँ पे इसको देखो होता कि नहीं होता, देखते हैं सर होता कि नहीं होता, तो यहाँ क्या 20 है सर, यहाँ क्या 3 है, तो पहले ऐसे कर 20 × बाबू -3 कर देना, तो कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। अब 60 को बाबू 2 नंबर के रूप में बाबू, 2 नंबर के रूप में इस तरह से ब्रेक करना बाबू की मल्टीप्लाई करने पे 16 हो जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए बाबू, ऐड करने पे 7 आ जाए, है ना, 7 आ जाए। तो कोई ऐसा पॉसिबल केस है बाबू, कोई पॉसिबल केस है, देखो 15 × 4 कितना होता है सर, 16 होता है, होता है ना, हाँ सर, हाँ सर, ये तो होता है बाबू, 7 आना चाहिए, तो इसमें बाबू 7, इसमें देखो 15 × 4 का कम्बिनेशन, तो इसमें दोनों निगेटिव रखोगे तो -19 जाएगा, अरे वो पॉजिटिव निगेटिव रखोगे बाबू तो 11 के आसपास जाएगा। और कौन सर, कौन कौन सा हो सकता है कम्बिनेशन सर, और बाबू 10 × 6 का कम्बिनेशन हो सकता है, 10 × 6 क्या होता है, 16 होता है। अपने मन से सोचना, बहुत सारा क्वेश्चन जब कर लोगे ना प्रैक्टिस, अपने दिमाग में डायरेक्ट स्ट्राइक करेगा, ठीक है ना, ज्यादा नहीं तरह से डालना। और कि 60 कैसे कैसे हो सकता है सर, 20 × 3 भी तो 60 होता है सर, है ना। देखो आप
बाबू डायरेक्ट जितना पॉसिबल केस होता है ना उसको आपको लिखिए और फिर अपने आप होने जाए। और कुछ होता है सर? हाँ सर, एगो तो और हमको दिखाई दे रहा है 12x5 भी तो 16 है होता है, है ना, 12x5 भी तो 16 है। तो अब इसमें से बाबू अब इतना लिखो, ठीक है ना, अब इसमें से अपने मन से कॉम्बिनेशन खोजना है ना, कॉम्बिनेशन खोजना है सर, कैसे मेरा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो पहला कॉम्बिनेशन 15x4 का लेगो तो इसको मैं दोनों निगेटिव लेना तो -15 -5 -9 करोगे तो -19 आएगा। अब दो में एक को पॉजिटिव लोगे ना, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव लोगे, जैसे -15। शांति से सुनो, शांति से सुनो, मैथ का बेसिक कंसेप्ट कम स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। एक वो नेगेटिव ले लो, -15 कर दो और +4 कर दो, तो -15 + 4 कितना होगा, -11 होगा। मतलब इसमें से बाबू कोई भी कॉम्बिनेशन कैसे कर से करो बाबू तो 7 नहीं आएगा। इसमें से सोचो 10 और 6 है, मल्टीप्लाई करने पे तो 16 आ जाएगा। दोनों अगर निगेटिव रखते हो -10 -6 -16 आएगा, आपको लाना क्या है, 7 लाना। एगो पॉजिटिव रखो एगो निगेटिव रखो, शांति से एकदम सोचना, एकदम शांति से। मेरा एक घंटा में 2 ही क्वेश्चन बने, लेकिन एकदम समझ के, स्टेप बाय स्टेप समझ के बनाने का बहुत तो